हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लास ऑफ द ज्ञानमंजरी विद्यापीठ महुआ। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन वी कंक्लूडेड द चैप्टर नंबर 1 ऑफ एसएस एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एंड नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द जियोग्राफी एंड दैट इज गोइंग टू बी योर 8th चैप्टर ऑफ द एसएस टेक्स्ट बुक। एंड द चैप्टर इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। सो at first let us understand what did we understand in the last chapter, and from that I'm going to pick up one word, and that is going to be the whole chapter of us. In the last chapter, in the first chapter of the SS, we understood about the heritage, right? And in that heritage we understood about two types of main heritage, that is the natural heritage, what has been gifted by the nature to us, and the second one was the man-made, right? That means the heritage, the culture that has been made by us. So those all things were understood by us. So among them, I am going to emphasize on a single word, and that is the natural heritage. तो जो मैंने लास्ट में आपको बोला था कि नेचुरल हेरिटेज हम किसको बोलेंगे, नेचुरल हेरिटेज हम उस चीज को बोलेंगे जो हमें कुदरत की तरफ से मिला है, जो हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट में मिला हुआ है, तो उसे हम नेचुरल हेरिटेज बोलेंगे। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो भी नेचुरल हेरिटेज हमारे पास है उसको हम एक काइंड से नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। तो नेचुरल हेरिटेज जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स कैसे बनेगा, वही हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, और ये मीनिंग समझने के बाद आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, और बस वहीं पे हमारा आज का सेशन खत्म होने वाला है। तो एक छोटा सा सेशन है, तो चलो देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आप सबको बताना चाहूँगा, दैट वी आर द ह्यूमन एंड वी हैव न्यूमरस नीड्स, राइट? हमारी बहुत सारी नीड्स होती है और उसे हम सेटिस्फाई करने के लिए बस लगे रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टू सेटिस्फाई आर ओन बेसिक नीड्स। तो ऐसे ही हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, राइट? तो पार्शली या फिर कम्प्लीटली वी आर गोइंग टू यूज द नेचुरल थिंग्स टू सेटिस्फाई आर नीड्स। से फॉर एग्जाम्पल, हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, तो खाना हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, राइट? ठंड लग रही है तो हमें कुछ गर्म कपड़े चाहिए, तो गर्म कपड़े के लिए हमें बेसिक मटेरियल कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, राइट? हमें गाड़ी चलानी है, घूमने जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पेट्रोल या फिर डीजल या फिर कोई फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल भी हमें नेचर की तरफ से ही मिलता है। तो या तो हम पार्शियली या तो फिर कम्प्लीटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, राइट? तो हम लोग जो डिफरेंट नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई जिससे करते हैं, वो सेटिस्फाई करने वाली जो चीज़ें उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। तो पहले हम रिसोर्स का मीनिंग समझे। तो रिसोर्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो भी कोई चीज़ कोई इंसान की नीड को सेटिस्फाई करे, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो इंसान की नीड को सेटिस्फाई करेगा उसे हम कहेंगे रिसोर्सेस, राइट? तो बहुत सारे ऐसे हजारों ऐसे एलिमेंट्स हैं, देयर आर न्यूमरस एलिमेंट्स जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं, जो नेचुरल हैं, राइट? लेकिन हम उन सबको रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको रिसोर्सेज क्या क्या बताया। रिसोर्सेज का बेसिक डेफिनेशन ये है कि जिस चीज से हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके उसे हम रिसोर्स कहते हैं, राइट? बेसिक थिंग, ये जो स्पेक्टेकल्स मैंने अभी पहने हुए हैं तो मेरे लिए ये रिसोर्स है। वाई? बिकॉज मेरी जो आपको देखने की या फिर पढ़ाई करने की या फिर कहीं पे देखने की जो नीड है, तो मेरी आंखों की वीकनेस को कवर करने के लिए और अच्छे से क्लियरली देखने के लिए मुझे स्पेक्टिकल्स यूज आएंगे। लेकिन अगर किसी आप में से किसी के भी आइस में पावर नहीं है, आपकी आइस स्ट्रांग है, उसको चश्मे की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए ये चश्मा यूजलेस है। तो उसके लिए रिसोर्सेस बनेगा, नहीं बनेगा, राइट? तो कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्स कहने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिक मीनिंग तो ये रहा। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, और वो सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनती, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनती है। तो रिसोर्स हम किसे कहेंगे, तो वो सारे एलिमेंट्स के जिसको हम यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने नीड को सेटिस्फाई करेंगे, उससे हम रिसोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड लाइन में देखोगे तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन उसका दिया है, कोई कुल मिला के तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, तीन डिफरेंट मीनिंग में उसका डेफिनेशन दिया है। तो सेकंड लाइन से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise.
हमारा जो स्पेशल नॉलेज है और हमारा जो एक्सपर्टीज है, यानी कि हमारा ज्ञान और हमारी चतुराई, राइट, उसकी मदद से जब हम उसको उपयोग कर पाएंगे, जब हम उसका प्रयोग किसी चीज के लिए कर पाएंगे, तभी कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स बनेगा, तभी कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स बनेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लास्टिक का टुकड़ा है तो देट इज यूजलेस फॉर अस। अगर प्लास्टिक का टुकड़ा है सो देट इज यूजलेस फॉर अस। लेकिन अगर उसी प्लास्टिक के टुकड़े को हमने यूज किया और उसको मोल्ड करके, मान लो हमने बॉल पेन बना लिया, राइट, या फिर कुछ और चीज बना ली कि जिसका हम यूज कर पाए, तो वो प्लास्टिक हमारे लिए फिर रिसोर्स बनेगा। से फॉर एग्जाम्पल दिस बॉल पेन, एट फर्स्ट इट वॉज जस्ट अ मेटल, राइट, तो द पीस ऑफ मेटल इज नॉट अ रिसोर्स फॉर मी। हमारा जो बॉल पेन है ये मेटल का बना है, ठीक है, तो ये जो मेटल का टुकड़ा था वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं था। लेकिन जब उस मेटल को मोल्ड किया, मोल्ड करके उसको शेप दिया, उसके बाद इसको डिजाइन किया, इसके अंदर रिफिल डाला, रिफिल के अंदर इंक डाला, और फिर अब जब ये पेन चलता है, देन इट इज रिसोर्सेज फॉर मी। व्हाई? ये मेरा रिसोर्स रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेरा किसी भी चीज को लिखने का जो नीड है, वो नीड मेरा ये पेन सेटिस्फाई करने वाला है, राइट। तो मैं अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज से अगर इस पेन का यूज कर सकता हूं तो ये मेरे लिए रिसोर्स है। लेकिन मान लो अगर कोई इंसान है जो अनपढ़ है, राइट, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उसको अगर कहीं पे साइन करना है तो वो इंसान अगर अपना अंगूठा दे रहा है, राइट, तो उसके लिए ये पेन क्या रहेगा? इट इज यूजलेस, राइट, उससे या तो वो अपना कान खुजाएगा या फिर सर खुजाएगा, लेकिन ही वुड नॉट बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली। तो हमारे नॉलेज और हमारे एक्सपर्टीज को यूज करके अगर हम किसी चीज को यूज कर पाए और वही चीज हमारी कोई नीड को सेटिस्फाई करे, तब जाकर हम उसे रिसोर्स कहेंगे। सेकंड डेफिनेशन जो अगर अदर वर्ड्स में दिया है वो देखें, तो इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेस। दूसरे शब्दों में क्या कहा वो हम देखते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज कि जिसके ऊपर इंसान निर्भर रहता है, राइट, इंसान उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट, ह्यूमन नीड जो है वो उन चीजों से सेटिस्फाई हो सकती है, और इंसान जो है उसके पास एक फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, यानी कि शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से हमारे पास ऐसी कैपेसिटी, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि जिससे हम उसका यूज कर पाए, तब जाकर हम कोई चीज को रिसोर्स कहेंगे, राइट। फिजिकली मेरे पास हाथ है और मेंटली मैं जानता हूं कैसे लिखना है, तब जाकर ये बॉल पेन मेरे लिए एक रिसोर्स बनेगा, वरना ये रिसोर्स बनेगा नहीं, राइट। मान लो कि मेरे पास, मैं जानता हूं लिखते कैसे, लेकिन मेरे पास मान लो कि ऐसी एबिलिटी नहीं है कि मैं लिख पाऊं, राइट, ये लिखा हुआ मैं पढ़ सकता हूं लेकिन मैं लिखना नहीं जानता, तो ये पेन मेरे लिए रिसोर्स रहेगा? नहीं रहेगा, राइट। सो एनीथिंग यू टेक If that thing is usable by you, either physically or mentally or both the ways, physically भी आप उसको use करने की आप में capacity है, और intellectually यानी कि दिमागी तौर से आप जानते हो कि इसे use कैसे करना है, इसका benefit कैसे लेना है, हमारी क्या need है और ये चीज़ हमारी need कैसे satisfy करेगी, अगर वो कोई चीज़ physically और mentally, intellectually हमारी need को satisfy कर सकती है, तो ही हम उसे resource कहेंगे, राइट। सो इन दैट वे रिसोर्सेज का बेसिक मीनिंग ये निकलता है, इन दिस वे एनीथिंग विच इज यूज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड बिकम्स अ रिसोर्सेज। कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर पाए उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अभी मान लो कि हम लोग ज्यादातर एजुकेशन कैसे ले रहे हैं, पिछले तकरीबन एक साल से हम लोग ऑनलाइन ही एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान हम सब क्या यूज करते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, राइट, हम पढ़ाने के लिए भी उसका यूज करते हैं और आप पढ़ने के लिए भी उसका यूज करते हैं। नाउ जस्ट थिंक इट दैट वे, दैट यू हैव बीन गिवन द सिम कार्ड, बट दैट सिम कार्ड इज नॉट रिचार्ज्ड, सो देयर इज नो इनकमिंग आउटगोइंग फैसिलिटी इनटू दैट, यू कैन नॉट इवन यूज द इंटरनेट यूजिंग दैट सिम कार्ड, देन वुड दैट सिम कार्ड बी यूजफुल टू यू? क्या वो सिम कार्ड आपके लिए यूजफुल रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ना तो उसमें से कॉल जा रही है, ना तो उसमें कॉल आ रही है, ना ही उसमें वैलिडिटी है, ना ही उससे नेट कनेक्ट होता है, तो वो सिम कार्ड, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ सर्टेन मटेरियल,
The material made with the metal as well as the plastic. So it is useless for us. हाँ, अगर उसको रिचार्ज कर दिया जाए, अगर उसमें वैलिडिटी है, इनकमिंग आउटगोइंग है, अगर उस सिम कार्ड में से हम नेट यूज़ कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ना भाई, ये एक सिम कार्ड है जो मेरी नीड को सेटिस्फाई करता है टू यूज़ द फोन टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड. तो तब जाके ये सिम कार्ड हमारे लिए रिसोर्स बनेगा. तो बच्चों, आई थिंक आप सबको ये बेसिक मीनिंग पता चल गया होगा कि रिसोर्स हम किसे कहेंगे. कैसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जिसको हम फिजिकली और इंटेलेक्चुअली यूज़ कर सकें, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करें, तभी जाके वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बनती है. अगर कोई चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई नहीं करती, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम फिजिकली और इंटेलेक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते, राइट, तो वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बनेगी नहीं. तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन रिसोर्सेज की. तो आगे हम देखें, इन एंशियंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड. यही एक एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको मॉडर्न एज का दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको फोन का, स्पेक्टिकल्स का, पेन का ऐसा एग्जाम्पल दिया, द सेम एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर इन अ डिफरेंट वर्ड. तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि सालों से हम इंसान धरती पर रह रहे हैं, राइट, जब से सृष्टि का जन्म हुआ, जब तक हमें मालूम है कि इंसान जब सृष्टि पर सबसे पहले आए, तब से हम यहाँ पर रहते हैं, राइट. तो ये जो रिसोर्सेज हमारे पास अभी लैंड में से निकलते हैं, वो तो हमने अभी ढूंढा ना. एंशियंट टाइम्स में जो सबसे पहली पुश्तें थी इंसानों की, उसको तो पता नहीं था कि लैंड के अंदर इतने सारे मिनरल्स हैं. तो इन द एंशियंट टाइम्स द मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड. सो दीज वर नॉट द रिसोर्सेज एट दैट टाइम. इंसान को पता ही नहीं था कि लैंड के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, यानी कि कॉल है, मेटल है, फिर नेचुरल गैस है, राइट, या फिर फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ज़मीन के अंदर दफन थी लेकिन इंसान को पता ही नहीं था. तो जब तक उसे पता नहीं था, तब तक इंसान उसको यूज़ नहीं कर पाया. तो तब तक जब इसका यूज़ शुरू नहीं हुआ, तब तक ये सिर्फ हमारे लिए बस ऐसी चीज़ें थी कि जो जिसे हम रिसोर्स नहीं कह पाते, राइट, इट वॉज यूजलेस टू अस बिकॉज वी डिडंट नो हाउ टू यूज इट. उसके बाद इंसान को मिला कि नहीं भाई, ये मिनरल्स हैं, इस मिनरल्स को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ भी करते हैं कि जो लैंड में से मिला है या फिर नेचर में से मिला है. तो जब उसका मीनिंग हमें पता चला, जब उसकी यूजेबिलिटी हमें पता चली, जब हमने ये जाना इसका यूज़ कैसे करते हैं, इससे हमारे नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तब जाकर ये चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बनी, राइट. सो These all things were not the resources at that time, but आज की तारीख में these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. तो उसकी जो utility है, usability है, जब हम उसको use करेंगे, उसकी जो उपयोगिता है, उसकी वजह से, और हमारे पास जो best technique है mining की, तो उन दोनों चीज़ों की वजह से आज की तारीख में ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही useful है, जो भी मिनरल्स लैंड में से मिले. तो बेसिकली यहां पे एग्जांपल ये दिया कि एंशियंट टाइम्स में जब इंसानों की शुरुआत हुई धरती पे, तब बहुत सारे रिसोर्सेज लैंड के अंदर थे. ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई कल रात को ही यहां पे लैंड में कोई रिसोर्सेज आ गया, ऐसा तो है नहीं, राइट. तो ये सारे रिसोर्सेज तो लाखों करोड़ों वर्षों से बस यहीं पे था, धरती पे ही था, लेकिन इंसान को पता नहीं था कि यहां पे ऐसी कोई चीज हो सकती है, या फिर ये नहीं पता था इसका उपयोग कैसे किया जाए, या फिर ये नहीं पता था कि इसको निकाला कैसे जाए. तो तब तक वो सारी चीज़ें हमारे लिए यूजलेस थी. लेकिन फिर माइनिंग का टेक्निक आया, धीरे धीरे इंसानों ने डेवलपमेंट लिया, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया. एट दैट टाइम इट बिकेम वेरी मच क्रूशियल थिंग्स टू अस. आज की तारीख में ऐसी कोई चीज़ नहीं, हमारा किसी का भी घर ऐसा नहीं जिसमें हम मेटल का यूज़ ना करता हो, राइट. कोई एक इंसान ऐसा नहीं कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्यूल्स का यूज़ ना करता हो, राइट. अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो पब्लिक सर्विस से जाएगा, लेकिन गाड़ी का यूज़ करेगा तो उसमें फ्यूल यूज़ होगा, मेटल यूज़ होगा, राइट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पता चला कि नहीं भाई, इसकी यूटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है. इसको ज़मीन में से ऐसे निकाला जाता है, फिर इसको ऐसे मोल्ड करेंगे, इसको ऐसे, इसका जो स्वरूप है उसको चेंज करेंगे, राइट. वी आर गोइंग टू चेंज द फॉर्म ऑफ दोज थिंग्स, एंड दैट इज़ हाउ दिस थिंग्स बिकम यूजफुल टू अस, एंड इट्स यूटिलिटी इज इंक्रीज, दैन इट बिकम्स द रिसोर्स फॉर अस. तो जब तक हमें पता नहीं था, तब तक ये कुछ नहीं था, लेकिन जब हमें पता चले इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स बन गया, और फिर हमने उसको यूज़ भी किया है. सो द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द
वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क. तो नेचुरल रिसोर्सेज, तो अभी हम पहले समझ लें कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है. तो ये ऐसी कोई भी चीज़ के जिसको हम यूज़ कर पाए उसे हम रिसोर्स कहेंगे, और जो रिसोर्स हमें नेचर की ओर से मिलते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे. तो अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स है तो उसके दो पहलू, मुख्य दो पहलू होने चाहिए, और वो है यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क, राइट, यानी कि उसकी उपयोगिता और उसकी काम करने की क्षमता. ये दोनों चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज की होने ही चाहिए, ये उसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे. द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द थ्री, दैट इज नेचर, मैन एंड कल्चर. हम जिस जिस चीज़ को भी रिसोर्स बोल सकते हैं, हम जिसका भी यूज़ करते हैं, तो वो तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कि जिसके इंटरेक्शन से, राइट, जिसके इंटरेक्शन से ये सारी चीज़ें बनती हैं, राइट. इन तीनों को मिला के ये चीज़ बनती है, यानी कि नेचर. तो नेचर में से हमें जो मिला, फिर इंसान ने उसका प्रयोग किया, इंसान ने इसके ऊपर प्रोसेस किया, और फिर हमारा जो कल्चर के हम उसको यूज़ कैसे करेंगे. तो नेचर से चीज़ मिली, इंसानों ने उसको उपयोग करने के लायक बनाया, राइट, इंसान ने उसको यूजेबल बनाया, और उसके बाद द कल्चर, दैट हाउ दिस थिंग्स आर बीइंग यूज्ड. तो इन तीनों का जब इंटरेक्शन होगा, नेचर, ह्यूमन एज वेल एज द कल्चर, तब जाके कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स बनेगी. सो गाइस, दैट वाज द मीनिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. आई होप दैट यू गाइस अंडरस्टूड द मीनिंग. नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये जो सारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल बनते हैं. वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसका जो रोल है, इसका जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो हम सीधा एक साथ में नहीं सीखेंगे, राइट. ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें पता चलेगा, तब हम इसका इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं, राइट. तो हमारे लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तब हम कोई एक रिसोर्स है उसका मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा समझने लगेंगे, राइट. से फॉर एग्जाम्पल, जब हम बहुत ही छोटे थे, जब हमने साइकिल भी चलाना नहीं सीखा था, 3 से 4 साल के, तब हमें पेट्रोल की वैल्यू पता थी? नहीं थी, राइट. उसके बाद धीरे धीरे हमने साइकिल चलानी सीखी, फिर स्कूटी चलाना सीखे, उसके बाद बाइक चलाना सीखे, फिर कार चलाना सीखे, तब जाके धीरे धीरे हमें पेट्रोल एज अ फ्यूल की यूटिलिटी पता चली कि चलो भाई, पेट्रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर मेरी 2 व्हील या 4 व्हील या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी है वो नहीं चलेगी, तो मुझे पेट्रोल चाहिए ही चाहिए. तो इसका इम्पोर्टेंस, राइट, हमने उसकी यूजफुलनेस कब सीखा? ग्रेजुअली हमारी लाइफ में, जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब जाके हम ये सारी चीज़ों को सीखते हैं. सो हमारे ह्यूमन लाइफ के हर स्टेज में, जैसे एक एक स्टेज हम ऊपर जाएंगे, वैसे ही हम ये सारी जो रिसोर्सेज हमारे आसपास है जिसका हम यूज़ करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे. दैट इज कॉल्ड द ग्रेजुअल प्रोसेस. नाउ ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. कोई भी एक्टिविटी ले लो, प्राइमरी सेक्टर जो हमारा है, राइट, दैट इज एग्रीकल्चर, और प्राइमरी सेक्टर से लेकर हम अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक जाए, राइट, तो एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वो अल्टीमेटली, यानी कि एट लास्ट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज इटसेल्फ, राइट. कोई इंसान अगर ऐसा कहे कि चलो भाई, मेरी तो इंडस्ट्री है तो मेरा नेचुरल रिसोर्स क्या, अरे भाई, आपकी इंडस्ट्री में जो मशीन्स बने हैं वो तो लोहे से बने हैं ना, एंड वेयर डिड यू गेट दोस आयरन फ्रॉम? It is from the nature itself. The human cannot make the iron. Right? Yes. You are getting the iron ore, and from that iron ore you are making the proper usable iron. But without iron ore you cannot prepare the iron itself. Right? तो लोहा नहीं बनेगा सीधा. Right? Iron ore को आप process करके उसमें से लोहा बनाएंगे, उसमें से machine. तो basically वो पूरी industry है, उसका machine जो है लोहे का बना है, वो लोहा मिला कहाँ से? अल्टीमेटली तो हमें नेचर में से ही मिला है. सो कोई भी एक्टिविटी आप गिन लो, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर चाहे वो एक्टिविटी इंडस्ट्रियल हो, तो एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल तक, या फिर अभी हमारा तीसरा डिवीजन है, दैट इज सर्विस सेक्टर. कोई भी सेक्टर में इंसान की कोई भी एक्टिविटी, एक एक्टिविटी ऐसी नहीं कि जिसके अंदर हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ ना करते हो,
right? We are completely dependent on the natural resources. So let us know more about it. ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि उसके क्या uses हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, यानी कि रिसोर्सेज के यूजेस क्या है वो हम देखने वाले हैं अभी। तो उसमें पहला पॉइंट आता है रिसोर्स एज फूड। हम जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, दैट इज गिफ्टेड बाय द नेचर, वेदर वी आर हर्बिवरस और ओमनिवरस, राइट? यानी कि हम वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं, दैट्स अ थिंग अपार्ट, बट वॉट एवर द फूड वी गेट, दैट इज बेसिकली मेंट आउट फ्रॉम द नेचर। वो उसका फाइनल कनेक्शन तो नेचर से ही होगा, चाहे मैं सब्जी या रोटी खाऊं या कुछ भी खाऊं, लेकिन खाने लायक जो भी चीज मेरे पास है वो नेचर से ही मिलता है, राइट? सो सबसे पहले इंसानों ने यूज किया रिसोर्स को एज अ फूड, राइट? तो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेस। बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं उसका उपयोग कर इंसानों की फूड की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई किया जाता है। हमें भूख लगती है, हम कुछ खाते हैं, कुछ नहीं मिला, रास्ते में कोई फ्रूट का पेड़ दिख गया, राइट? वहाँ से कुछ तोड़ लिया, खा लिया, पेट भर गया, राइट? बेसिकली फॉर आर हंगर, फॉर आर फिजिकल नीड्स, we are dependent on the natural resources. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by the honeybees, etc. are as food items. बहुत सारी चीजें हैं कि जो फूड आइटम के तौर पे हम यूज करते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजों का नाम आ गया, राइट? चाहे आप फ्रूट्स देख लो, वेजिटेबल्स देख लो, राइट? या फिर ग्रेन्स, जो हमारे घर के अंदर हम जो अनाज का यूज करते हैं वो सारे अनाज को देख लो, राइट? अगर कोई ओमनिवरस है, राइट, यानी कि नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके लिए मीट देख लो, फिश देख लो, एग देख लो। अगर हम दूध पीते हैं तो दूध कहाँ से आता है? फिर मिल्क की प्रोडक्ट्स, मिल्क की प्रोडक्ट्स बनती है तो मिल्क में से, मिल्क मिला कहाँ से? काऊ में से, काऊ को हमने तो बनाया नहीं, या फिर गाय या फिर भैंस को हमने तो बनाया नहीं ना, वो कहाँ से आया? दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, राइट? तो ये जो नेचर में से, उसका बेसिक रूट नेचर में से ही मिलेगा। तो हमारी जो फूड आइटम है वो हमें कहाँ से मिलती है? नेचर में से मिलती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स, द फ्रूट्स, द वेजिटेबल्स, राइट? देन द फिश, अनदर एक्वाटिक एनिमल्स, राइट? एज वेल एज द हनी दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हनी बीस। दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर यूज एज द फूड आइटम्स, एंड बेसिकली वी आर गेटिंग दैम फ्रॉम द रिसोर्स, from the natural resource, from the nature, right? Second thing, we are going to use the resource as a source of raw material. कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसका जो basic material है उसे हम क्या कहते हैं? Raw material. You guys know the meaning of that very well, right? तो resources का use हम raw material के तौर पे भी करते हैं। कैसे? Various goods obtained from forest, agro products, wool, hides and meat available from animals, मिनरल ऑर्स एटसेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ बेसिकली हमें नेचर में से ही मिलती है, राइट? चाहे आप उसमें एग्रो प्रोडक्ट को देख लो, या फिर वूल को देख लो, या फिर हाइट्स को देख लो, हाइट्स एंड मीट, राइट? कि जो हमें एनिमल से मिलता है तो वो एनिमल्स हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, राइट? मिनरल ऑर्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको आयरन ऑर की बात की, राइट? तो वो सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? वो सारी नेचर में से मिलती है, और वो जो सारी इंडस्ट्रीज हैं कि जो इसका यूज़ करती है वो बेसिकली डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के ऊपर, और ये रॉ मटेरियल हमें देगा कौन? नेचर देगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल टू। एंड द थर्ड एंड द लास्ट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, राइट? टू गेट द एनर्जी वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज। सो हाउ डज दैट वर्क? लेट्स चेक इट आउट। वी यूज कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। चाहे आप इंडस्ट्री के लिए देख लो, या फिर डोमेस्टिक यानी कि हमारे घर के उपयोग के लिए कोई फ्यूल देख लो, तो वो सारे फ्यूल जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्स में से मिलते हैं, जैसे कि कोयला, कॉल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वॉट एवर इट इज, देन द नेचुरल गैस, राइट? LPG हो या फिर PNG हो या फिर CNG हो, जिसका भी हम यूज़ करते हैं, चाहे व्हीकल में यूज़ करें या फिर घर में कुकिंग के लिए यूज़ करें, राइट? या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूज़ करें।
तो ये सारे जो नेचुरल गैसेस हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एज वेल एज जो कोल है कि जिसमें से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी बेसिस पे, वो हमें मिलता कहाँ से है? नेचुरल रिसोर्स में से ही मिलता है। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंस्टॉलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा हमें एनर्जी और कहीं से भी मिल सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोल का, इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से प्रोड्यूस होती है, राइट? तो जिसमें हम कोयले का उपयोग करते हैं तो वो तो नेचुरली है। इसके अलावा भी हमें एनर्जी मिल सकती है। कहाँ से मिलेगी? तो सोलर प्लेट से, राइट? इसके अलावा विंड एनर्जी, यानी कि पवन चक्की लगाकर, विंड मिल लगाकर, उसके साथ इक्विपमेंट्स जोड़ के हम उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, राइट? या फिर सी वेव्स, टाइड्स, एब्स और फिर वाटरफॉल है, वैसे तो रिवर फ्लो भी है, राइट? तो ये सारी चीज़ों का जो एक प्रॉपर फ्लो होता है एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जाने का, उस फ्लो के बीच में टरबाइन को जोड़ दे और वो टरबाइन जनरेटर के साथ जोड़ दे, तो वहाँ से हमें इंजन के रोटेशन के साथ एनर्जी मिलेगा। तो हम तो ये सोचेंगे कि भाई वो एनर्जी तो हमें विंड में से मिला, तो विंड कहाँ से आया? दैट इज नेचुरल रिसोर्स, राइट? हम ये सोचेंगे अरे भाई वो तो सोलर में से है, तो सोलर कहाँ से आया? सोलर पैनल, अगर सोलर पैनल में जो मेटल यूज होता है, जो मटेरियल यूज होता है, वो भी हमें नेचर में से ही मिलता है। उसके अलावा हमें सोलर लाइट चाहिए, राइट? तो सोलर रेस हमें कहाँ से मिलती है? वो भी नेचर से मिलती है। सो एनर्जी के लिए भी वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ओनली, सो वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द एनर्जी रिसोर्स टू, राइट? सो दिस वॉज द सेशन फॉर टूडे। नाउ लेट अस गेट द क्विक रिविजन दैट वॉट डिड वी लर्न इन टूडेज सेशन। एट फर्स्ट वी स्टार्टेड लर्निंग विद द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स, दैट वॉट आर द थिंग्स विच आर एग्जैक्टली कॉल्ड द रिसोर्सेज। बेसिकली एग्जैक्टली हम रिसोर्स किसको कह पाते हैं, राइट? वी कैन कॉल द थिंग्स रिसोर्सेज ओनली वेन दे आर यूजफुल टू द ह्यूमन, वेन द ह्यूमन कैन यूज दोज थिंग्स विद द नॉलेज एंड द एक्सपर्टीज। That means a person must be able to use that particular thing physically as well as intellectually, right? तो कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसको इंसान अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर पाए, वो चीज़ इंसान के लिए रिसोर्स बनेगी। यानी कि ऐसी कोई चीज़ कि जो इंसान के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बनेगी नहीं, राइट? सो ऐसी सारी चीज़ों को हम रिसोर्स कहेंगे, और जितने भी रिसोर्स हमें नेचर की तरफ से मिलते हैं उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरली हमें मिलता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं कैसे कैसे, किस किस में यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे हमारी सारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड द नेचुरल रिसोर्सेज इटसेल्फ, राइट? तो सबसे पहला यूज़ हम नेचुरल रिसोर्स का करते हैं फॉर फूड, यानी कि हमारी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी खाते हैं, दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर। सेकंड, द रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट? तो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल है, वो बेसिकली अल्टीमेटली एट लास्ट उसका रूट तो नेचर में से ही होगा। और तीसरा जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो भी नेचर में से ही मिलती है, वो भी रिसोर्सेज में से ही मिलती है, राइट? सो गाइज, दिस वर द मीनिंग एज वेल एज द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। आई होप यू गाइज कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फॉर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बट दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन राइट नाउ। आई होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर, and I'll see you in the next session with the further details. So till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe.